नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज़ आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सेशंस में अंत तक बने रहिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह बैंकिंग का हो, चाहे SSC का हो, चाहे रेलवे NTPC का हो, या किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसमें करंट अफेयर देखने को मिलता है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बैंकिंग गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी के, इंटरनेशनल्स, नेशनल अफेयर्स, सभी टाइप के क्वेश्चंस और न्यूज इसमें मैं इंक्लूड करता हूँ। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर कर देता हूँ, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैं जो GK तैयार कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम्स है IBPS क्लर्क मेंस का, उनके लिए देखिए अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन अप्रैल टू दिसंबर मंथ का कंप्लीट एक PDF मैंने तैयार करके अपलोड कर दिया है। आई होप आपको मिल गया होगा। अगर PDF नहीं मिला है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मेरी गारंटी है, अगर अपॉइंटमेंट से और रेजिग्नेशन से एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर आपके नहीं पूछा जाएगा, राइट। एक भी क्वेश्चन, अप्रैल से दिसंबर मंथ है तो याद रखिएगा, एग्जाम्स में 6 मंथ लेके चलते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको 6 मंथ से ज़्यादा का करंट अफेयर दे दिया है। ओके, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी प्रकार ऑबिचुरीज है, किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, उन सभी का एक डिटेल्स PDF मैंने बना रखा है, अपलोड भी कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि सर मेरे को नहीं मिला है। ओके, ये जून से लगाकर दिसंबर मंथ की ओबिचुरीज है, ये बुक्स है। मार्च से लगाकर दिसंबर मंथ की कंप्लीट बुक्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ आप भी इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो जो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज हैं, राइट, जो आपके मार्च से लगाकर दिसंबर मध्य का कंप्लीट एक PDF मैंने तैयार कर दिया है, नेशनल्स और इंटरनेशनल्स सभी टाइप के इसमें डेट्स हैं, प्लस उसके थीम्स हैं, राइट। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, तो प्लीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये जनवरी मंथ का इम्पॉर्टेंट GK है। जनवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस में से मैंने इसमें डाले हैं। GK से रिलेटेड आपके सारे मिलेंगे, स्टैटिक के मिलेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस मिलेंगे, टीच बेस पर क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस में से मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। देख लीजिएगा, जनवरी मंथ का है, दिसंबर का चाहिए, नवंबर का चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं PDF आपको दे दूंगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस, माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था आप सभी को। क्वेश्चंस था, क्रिस मॉरिस बिकेम द कॉस्टलीस्ट एवर प्लेयर एट IPL ऑक्शंस फॉर राजस्थान रॉयल्स, ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। क्रिस मॉरिस है माय डियर स्टूडेंट्स, जो राजस्थान रॉयल की IPL नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, यानी कि क्रिस मॉरिस है जो कि एक खिलाड़ी हैं, जो कि आपकी जिनको परचेज राजस्थान रॉयल्स ने किया, सबसे महंगा परचेज किया है, राइट। तो वह निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनका जो एक तरह से होम टाउन कह लीजिए, उनकी जो रेगुलर बेसिस पे खेलते हैं, वह इंटरनेशनल्स क्रिकेट खेलते हैं, राइट, तो वह कौन सी टीम से खेला करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था।
आई होप आपने आंसर दिया होगा, नहीं दिया तो प्लीज आंसर डेली आप आंसर दीजिए, राइट। कोई भी जीके का मैं डेली अपलोड करता हूँ एक क्वेश्चंस, उनका सर्च कीजिए, बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो प्लीज आंसर जरूर दीजिए, राइट। तो वह साउथ अफ्रीका, राइट, साउथ अफ्रीका है जिनसे ये बिलोंग करते हैं क्रिश मॉरिस और राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपीज में, राइट। सबसे महंगी कोस्ट है, सबसे महंगे खिलाड़ी हैं क्रिश मॉरिस, राइट, 16.25 करोड़ में इनको राजस्थान रॉयल्स ने परचेज किया है। ओके, याद रखिएगा आईपीएल इट मीन्स इंडियन प्रीमियर लीग आपकी, राइट, याद रखिएगा 2021 का ऑक्शन हुआ था, याद करिएगा। ओके, लास्ट आईपीएल मुंबई इंडियंस जीती थी, उससे भी लास्ट आईपीएल आपके अगेन मुंबई इंडियंस जीती थी, कंटिन्यू आपके दो आईपीएल मुंबई इंडियंस जीत चुकी है। ओके, क्लियर। 16.25 करोड़ क्रिश मॉरिस राजस्थान रॉयल्स ने इसको परचेज किया है। ओके, इसके बाद आपकी कैली जेम्सन जो कि 15 करोड़ रुपीज में आरसीबी ने परचेज किया है। उसके बाद है ग्लेन मैक्सवेल, इटमिन इसको भी आरसीबी ने परचेज किया है 14.25 करोड़ में। एंड देन जे रिचर्डसन, राइट, जिनको 14 करोड़ में। एंड चेन्नई सुपर किंग्स ने गौतम राइट 9.25 करोड़ रुपीज में परचेज किया। सबसे ज़्यादा ही पूछेगा तो याद रखिएगा क्रिश मॉरिस, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जिसको हिंदी में कह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के रिसेंट में मार्डी रेस्पॉन्स फैफ डुप्लेसिस, ये क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। फैफ डुप्लेसिस है, उन्हें इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, राइट, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है फैफ डुप्लेसिस, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज में। फर्स्ट ऑफ ऑल ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट, इसका शॉर्ट नेम है ADB। तो इन्होंने ADB बैंक ने अपॉइंटेड वोंग चुंग उंग एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल, राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, ADB बैंक ने नए MD के रूप में वोंग चुंग उंग को एज अ डायरेक्टर MD के रूप में नियुक्त किया है, राइट। आपने थंबनेल पे देखा होगा, ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका हेडक्वार्टर आपके फिलीपींस में है, याद रखिएगा। और इसकी जो प्रेसिडेंट है वह है माशा शोतकू आशाकावा, जो कि एक जापान से बिलोंग करते हैं। कभी कभार होम टाउन मतलब कि कंट्री पूछ लेता है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वह जापान से। माशा शोतकू आशाकावा आज प्रेसिडेंट ऑफ ADB बैंक एंड आपकी ये आपकी जापान से बिलोंग करते हैं। ओके, रिसेंट में वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए थे अशोक लवासा, जो कि इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडियन है, जो कि ADB में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं अशोक लवासा। ओके, जो पहले इंडिया में इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में भूमिका निभाते थे, अब ADB ने उनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। ओके, ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है, राइट, एंड इसके जो आपके प्रेसिडेंट हैं माशा शोतकू आशाकावा, जो कि आपके जापान से बिलोंग करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है, जो कि इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। एंड देन वोंग चुंग और राइट, जो कि आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ADB बैंक में। ओके, नोट करते रहिएगा, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है मेगा ट्रेड फेयर ओपन इन भुवनेश्वर। माय डियर एस्पिरेंट्स, 17th इंडियाज इंटरनेशनल्स मेगा ट्रेड फेयर है, जिसका शुभारंभ कर दिया है, जो ट्रेड फेयर है वह स्टार्ट हो गया है।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आप सभी से कि इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कहाँ पर आयोजित किया गया था, राइट। तो वह है, दैट इज द उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और एडिशंस भी कभी कभार पूछे तो याद रखिएगा, ये 70वां एडिशंस है, याद रखिएगा 70वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, भुवनेश्वर। उड़ीसा की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर्स हैं नवीन बाबू, यानी कि नवीन पटनायक हैं। गणेशी लाल इज द गवर्नर ऑफ उड़ीसा। भुवनेश्वर आपकी कैपिटल हो गई उड़ीसा की, भीतरकनिका सिमलीपाल, राइट। भीतरकनिका सिमलीपाल जो फेमस इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वह आपके उड़ीसा में ही स्थित हैं। एंड देन मधुबाबू पेंशन योजना जो कि आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट की है। बलराम स्कीम अगेन आपके उड़ीसा की है, बलराम जो कि किसानों के लिए है, राइट। एक मधु एप्लीकेशंस भी है, मो जीवन भी है, मो प्रतिभा भी है, ये सारे के सारे आपके उड़ीसा के ही हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लॉन्चेस न्यू प्लान बीमा ज्योति, राइट। LIC आप सभी परिचित हैं LIC के बारे में। LIC का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। MR कुमार इज द आपके प्रेसिडेंट हैं LIC के, राइट, याद रखिएगा, राइट। रिसेंट में न्यू पॉलिसी जारी की है, जिस पॉलिसी का नेम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नेम है, बीमा ज्योति, राइट। बीमा ज्योति नाम की पॉलिसीज हैं, इस पर्टिकुलर पॉलिसीज में यहाँ पर डिटेल्स में दे रखा है, देखिएगा। इंट्रोड्यूस अ न्यू प्लान विच इज नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग एलिजिबल सेविंग्स प्लान ऑफरिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। बीमा ज्योति प्रोवाइड्स अ गारंटीड लंपसम पेमेंट ऑन मैच्योरिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली इन केस ऑफ अल्टीमेटली अनटाइमली डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। ओके, क्लियर। आपके लिए इम्पोर्टेंट LIC के बारे में जानना कि LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में। MR कुमार आपके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। पॉलिसी कौन सी है, बीमा ज्योति, बस इससे ज्यादा कुछ भी आपको ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऑब्जर्वरीज है फॉर्मर ट्राई चीफ, राइट, फॉर्मर ट्राई चीफ एंड कॉमर्स सेक्रेटरी राहुल कुल्लर, राइट, जिनका निधन हो चुका है। ट्राई के चेयरपर्सन रह चुके हैं आपके राहुल कुल्लर, और कॉमर्स सेक्रेटरी के रूप में भी भूमिका निभा चुके हैं, उनका निधन हो चुका है, राइट, राहुल कुल्लर। ठीक है, रिसेंट में आपके ट्राई के चेयरपर्सन कौन है, तो रिसेंट में PD वाघेला, राइट, PD वाघेला है जो कि रिसेंट में ट्राई के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, दैट इज द आज है आपकी भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच, जो कि आपकी गुजरात में एक स्टेडियम बना है जिसका नेम है मोटेरा स्टेडियम, सबसे बड़ा पूरे के पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। लगभग 1,10,000 लोग इस पर्टिकुलर स्टेडियम में बैठ सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, कोई भी रेन सिचुएशंस हो, कोई भी बारिश आती है, तो बारिश के 30 मिनट बाद गेम स्टार्ट वापस हो जाएगा। ओके, तो पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ से विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 1,10,000 पब्लिक, 1,10,000 ऑडियंसेज वहां पर बैठ सकती है। ओके, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गुजरात के अहमदाबाद में इसको बनाया गया है, और पहला मैच होगा, डे नाइट मैच होगा, टेस्ट मैच भी डे नाइट मैच होगा, और पिंक बॉल से यह मैच खेला जाएगा। ओके, भारत और इंग्लैंड के बीच में। क्लियर, समझ में आया आप सभी के, न्यूज कैसे लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें सीख पा रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, अब चलते हैं अपन आपके क्वेश्चंस पे। देखिए, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, राइट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
कब बनाया जाता है, राइट। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके बनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में बनाते हैं। ओके okay? इक्कीस फरवरी को, क्लियर। अभी डेज की बात करें तो अभी तक फरवरी मंथ में अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं, एक बार रिविजन्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फेब को, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फरवरी को अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखिए जो रेगुलर है ना उनको तो मैं रटा चुका हूँ, वर्ल्ड वेटलैंड डे उनको तो अच्छे तरीके से रटा चुका हूँ। 4 फेब को आपकी वर्ल्ड कैंसर डे, राइट। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को। नेक्स्ट आपका 10 फेब को वर्ल्ड पल्सेस डे, राइट, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व दहलन दिवस, जो कि 10 फरवरी को बनाते हैं। नेक्स्ट है 13 फरवरी, राइट। 13 फेब को इस दिन आपकी वर्ल्ड रेडियो डे, राइट। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फेब को बनाते हैं। नेक्स्ट है 13 फरवरी को, इस दिन आपकी 13 फरवरी, राइट, एक नेशनल वुमेन्स डे, राइट, राष्ट्रीय महिला दिवस भी आपकी 13 फरवरी को बनाते हैं। सरोजनी नायडू, राइट, आप सभी ने नाम सुना होगा सरोजनी नायडू, उनका जन्म दिवस के दिन यह दिवस बनाया गया है 13 फरवरी को। नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो कि आपका 21 फरवरी को बनाते हैं। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया, तो प्लीज़ थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। डेज के बेसिस पे बात करें, जो IBPS RRB IBPS क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जनवरी मंथ का एक मैंने इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें सेपरेट डेज बेसिस पे, यानी कि कंप्लीट एक डेज, जनवरी मंथ की कंप्लीट डेज प्लस उस डेज की थीम क्या है, उन सभी का मैंने डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, राइट। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। नेक्स्ट, द स्टेट कौन सा ऐसा राज्य है ऑफ कर्नाटका, द स्टेट ऑफ कर्नाटका यानी कि कर्नाटका ऐसा राज्य है विल होस्ट द दस एडिशंस ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021, 2021 जो कि होस्ट करेगा कर्नाटका, राइट। यह क्वेश्चन सबको मालूम है कि कौन होस्ट करेगा, कब होस्ट होगा, बट क्वेश्चन जो मैंने बनाया है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के लायक क्वेश्चंस, कौन सा एडिशंस होगा। माय डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज फोकस ऑन योर क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा, क्वेश्चंस पे ध्यान से पढ़िएगा, राइट। जो मेंस का क्वेश्चंस बनता है इस टाइप से, राइट, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं कि कर्नाटका स्टेट में होगा, क्या होगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होगा, बट एडिशन से वो कितना एडिशन से यह किसी को पता ही नहीं रहता, बट एग्जामिनर क्वेश्चंस दे देता है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा एडिशन होगा, दूसरा एडिशन आपकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो कि कर्नाटका है वह होस्ट करेगा। पहला एडिशन माय डियर स्टूडेंट्स उड़ीसा होस्ट कर चुका है, राइट, ये मैं बता देता हूँ, उड़ीसा होस्ट कर चुका है जिसमें पंजाब है मेडल की टैली में सबसे टॉप पोजीशंस पे रही थी पंजाब की यूनिवर्सिटीज। ओके, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर, उड़ीसा है जो कि पहला एडिशन है, सेकंड एडिशन कर्नाटका है, राइट, याद रखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ओके, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आपकी येदुरप्पा जी, वजू भाई वाला वहां की गवर्नर हैं, बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल बस सर्विसेज फर्स्ट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द दिल्ली जयपुर रोड। देखिए जो न्यूज मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूँ उनके कल एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो कल मैंने डिस्कस की थी उनके आज एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस है। तो ये न्यूज थी वो मैं कल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप सभी को मालूम होना चाहिए। एनटीपीसी राइट, एनटीपीसी है के माध्यम से यह पहली ऐसी हाइड्रोजन फ्यूल बस है जो कि जिसका रूट रहेगा दिल्ली टू जयपुर। ओके ये देख लीजिए, कटिंग्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल नेम है एनटीपीसी का। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में शुरू किया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए राइट। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो कि आपकी केरला में आयोजित किया गया है, केरला में शुरू किया गया है। आरिफ मोहम्मद साहब जो कि गवर्नर है केरला के, उन्होंने इस पर्टिकुलर डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। पिनराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर से, याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम केरला के कैपिटल जो भी तिरुवनंतपुरम। ओके रिसेंट में श्रम संग्रहालय राइट, श्रम संग्रहालय लेबर के लिए, लेबर एक तरह से कह सकते हैं उनके लिए एक श्रम संग्रहालय उद्घाटन हुआ है केरला में, भारत का पहला संग्रहालय है याद रखिएगा। ओके द फर्स्ट स्टेट टू प्रेजेंट अ पेपरलेस बजट वाज उत्तर प्रदेश, हु प्रेजेंटेड द बजट राइट। मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि पहला पेपरलेस बजट है जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरुआत की है, भारत का पहला पेपरलेस बजट है। तो इसको किसने प्रेजेंट किया था, तो उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर्स दैट इज द सुरेश कुमार खन्ना राइट। सुरेश कुमार खन्ना एज अ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश जो उन्होंने पहला पेपरलेस बजट एक तरह से प्रस्तुत किया था। ओके याद रखिएगा सुरेश कुमार खन्ना। योगी आदित्यनाथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, लखनऊ यहाँ की कैपिटल जो गई याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया जो कि आपके उत्तर प्रदेश में ही है। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तर प्रदेश में ही याद रखिएगा। रोजगार छतरी योजना जो कि आपका उत्तर प्रदेश में ही शुरुआत की गई है याद रखिएगा। ओके हु हैज वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल्स 2021। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है राइट। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि मेलबर्न ग्राउंड में हुआ था उसको जीता है नोवाक जोकोविक राइट। नोवाक जोकोविक है, उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइटल को जीता है राइट, याद रखिएगा। ओके बी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा राइट। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि साल का पहला ऐसा ग्रैंड स्लैम होता है याद रखिएगा। सर्बिया से बिलोंग करते हैं याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। इन्होंने जो डैनियल मेदवेदेव हैं जो कि रूस से बिलोंग करते हैं उनको इन्होंने हराया था। विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ $50 मिलियन डिफेंस लाइंस ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट। किस देश के साथ भारत ने $50 मिलियन $50 मिलियन अमाउंट भी, अमाउंट का फिगर भी याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं राइट। तो कितने आपकी किसके साथ $50 मिलियन की रक्षा सौदे, तो वह है दैट इज द मालदीव्स। ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मालदीव्स हैं जिनके साथ $50 मिलियन की डिफेंस लाइन क्रेडिट एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का। ओके मालदीव की कैपिटल्स
आपके माले हैं, राइट। याद रखिएगा इब्राहिम मोहम्मद शोले राइट इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, याद रखिएगा। अब वुमेन्स, वुमेन सिंगल टाइटल्स, हु हैज वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल्स इन द ऑस्ट्रेलियंस ओपन 2021 की महिला एकल। पहले मैंने पुरुष डिस्कस किया था जिसको जीता था नोवाक जोकोविच ने, राइट। एंड देन महिला जीती है नाओमी ओशाका, राइट, याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्वदेशी कंपनी आईके ब्रिंगिंग्स एन इन्वेस्टमेंट 5,500 करोड़ रुपीज इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में कौन सा ऐसा भारत की राज्य सरकार के साथ स्वीडन कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है, राइट। तो वह आईकिया कंपनी के साथ, तो वह कौन सी राज्य सरकार है, तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यह प्लांट स्थापित किया जाएगा। लगभग 5,500 करोड़ रुपीज आईकिया जो कंपनी है वह आपकी स्वीडिश कंपनी है वह इन्वेस्ट करेगी, ओके, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, हु रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पुडुचेरी आफ्टर फेलिंग टू विन द ट्रस्ट वोट इन द असेंबली विधानसभा में विश्वास मत जीतने में सफल विफल, राइट, रहने के बाद पुडुचेरी की मुख्यमंत्री किसने इस्तीफा दिया, राइट। जो पहले आपके पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अभी विधानसभा में अपना जो मेजोरिटी है, जो बहुमत है, राइट, वह पास नहीं कर पाए, उससे पहले इस्तीफा दे दिया है। पार्टिकुलर आपको पूछा है पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन थे, राइट, तो वह है थे वी नारायण स्वामी, राइट, वी नारायण स्वामी। और किरण बेदी जो पुडुचेरी की गवर्नर थी उनको अब हटा दिया गया है, उनकी जगह पर तमिलसाई सौंदरराजन जो तेलंगाना की गवर्नर है उनको पुडुचेरी की गवर्नर भी बनाया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, ओके, क्लियर। नाम याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की बात करें तो दिसंबर तक तो मैंने कंप्लीट पीडीएफ बनाया है, पर जनवरी मंथ आपका जो से कंप्लीट हुआ है तो उसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। एक भी अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं पूछे गए, ओके। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड अ पीमो ई बाइक, राइट, पीमो ई बाइक, कौन सा ऐसा आईआईटी है जिसने एक पीमो ई बाइक लॉन्च की है, राइट, डेवलप्ड किया है। तो ये आपकी ऑप्शन है खड़गपुर, कानपुर, मद्रास या भुवनेश्वर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सर्च कीजिएगा कि कौन सी ऐसी आईआईटी है, ओके। अच्छा लगा आपको वीडियो, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी, लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है कि मैंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। I hope you are enjoying the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video, and subscribe my channels. Please do subscribe my channels. Okay? एक बार subscribe कर लीजिए, video कोई upload होगा ना तो तुरंत आपको मिलेगा, ठीक है। Thank you so much. मिलते हैं किसी ऐसे ही next video में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, GK daily basis पे पढ़िए, exams में बहुत ज़्यादा help होगी, और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। पीडीएफ के लिए कोई भी पीडीएफ नहीं मिलता कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, ओके, थैंक यू सो मच।